हिस्सा बनके कैसा लग रहा है, थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा। देखिए, फर्स्टली आई एम वेरी ऑनर्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। बहुत खुशी होती है जब किसी की खुशी में हिस्सा बनते हैं, एंड दिस माई सेकेंड टाइम आई एम कमिंग फॉर दिस अवार्ड। आई एम वेरी थैंकफुल कि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में मुझे फिर से मौका मिला, और बहुत खुशी हो रही है। और अच्छा लगता है जब हम जैसे एक्टर्स को मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, और कहीं ना कहीं उम्मीद होती है, और यही चीज़ हम लोगों को ट्रिगर करती है टू वर्क फर्दर एंड टू वर्क मोर हार्डर फॉर इंडियन सिनेमा। जी जी, देखिए, एज एन एक्टर अभी तक टीवी के बाद, अभी लास्ट फिल्म मेरी दोस्ती की साइड इफेक्ट्स थी, बट आई शिफ्टेड बैक इन टू टी वी, बट अनदर फिल्म इज़ कमिंग अप। फिल्म नेम इज़ हॉन्टेड हिल्स, जो 20th February को रिलीज़ हो रही है। इसमें डायना खान है, मैं हूँ, गेवी चहल हैं, और मानसी गुप्ता हैं, न्यूकमर हैं। दिस फिल्म इज़ रोमांटिक हॉरर फिल्म है, और मोहम्मद इरफान का गाना है, पलक मुच्छल का गाना है, और बहुत अच्छी क्रिस्प है, बहुत अच्छी पेसी फिल्म है। जब आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। इट्स काइंड ऑफ जर्नी विच विल टेक यू फ्रॉम रोमांस टू हॉरर देन इन टू डिफरेंट वर्ल्ड। बिग बॉस को बहुत फॉलो कर रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सपना चौधरी के साथ फिल्म की थी, बट उस वक्त मैंने फॉलो नहीं किया था बिग बॉस, एंड तब जाके समझ में आता है कि बिकॉज आई हैव सीन दिस सीजन ऑफ बिग बॉस, और इस बार मैं पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा हूँ और एक एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, और स्पेशली जाके वूट पे भी देखता हूँ। तो इस बार का एंथुसियाज्म एंड एनर्जी बहुत अच्छी है, और एक्चुअली टीवी एक्टर्स ही हैं, साथ के काम करने वाले दोस्त हैं, तो अच्छा लगता है और सपोर्ट करने की उम्मीद मिलती है। क्या लगता है, कौन जीतेगा इस साल? आई एम नॉट इन एनी फेवर, बट येस, सी आसिम का थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखती है, क्योंकि दैट गाय हैज़ वर्क सो हार्ड एंड स्टैंड बाई हिज ओन टर्म्स। सिद्धार्थ एंड रश्मि आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, सो उन लोगों को अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाने की ज़रूरत नहीं, बट आई एम वेरी सरप्राइज कि आसिम की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इतनी जल्दी बन गई, एंड एवरी वन इज़ स्टैंडिंग फॉर हिम। सो फाइनल के दिन बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला होने वाला है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लगता है इंडियन सिनेमा के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल ये एक बहुत ही अहम और अटूटनीय अंग है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी ने कहीं ना कहीं एक मुहिम शुरू की थी और सिनेमा की नींव डाली थी। ही वॉज ऑलवेज एन ऑलराउंडर, एंड उनका जो एक्सपीरियंस या उन्होंने जो नींव डाली है, इस वजह से आज हम सिनेमा वर्ल्ड में इतना बड़ा मुकाम और आयाम हासिल कर पाए हैं। फॉर मी बीइंग एन आर्टिस्ट, जस्ट एन आर्टिस्ट, बट सिनेमा इज़ लाइक अ ड्रीम, और ऐसे में इस फेस्टिवल का पार्ट होना, इट्स लाइक अ प्रिविलेज टू मी। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन इनवाइटेड हियर एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल, बिकॉज काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं या अवार्ड शोज होते हैं, आई somehow don't feel completely connected with them, but this name itself is so big that you feel or you want to be connected, so I feel really grateful. Thank you so much. Thanks a lot. Ab main ho, acha ab manager ho, sabke manager ho aap, ha kya baat, अच्छा साथ में करेंगे हम, अरे वाह, चलो रोल महेश, हां रोल है भाई, रोल ऑलराइट। एली जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड के मौके पर हम सभी यहां पे प्रेजेंट हैं, तो आप बताइए कि क्या कुछ फीलिंग है आपकी? मैं बस माय वाइफ आई शुड गो, आई वोंट गेट लंच डिनर टुडे, खाना नहीं। सही है, सही है, जेवण मिळणार नाही तुम्हाला माहिती आहे जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और हम्बल हूँ कि मैं यहीं पे हूँ, दैट आई गॉट इनवाइटेड टू बी ऑन दिस ब्यूटिफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच सर मैम, या इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एक्चुअली as an outsider, and
you know, as abroad se bhi ho. You must have heard the name of Dadasaheb Phalke also. Yes, of course I have. You know, it's the most prestigious award to receive. And, you know, maybe one day I can receive it. Bahut mehnat se. So, yeah, but I mean, it's just, yeah. बहुत ही भावुक हूँ मैं मेरी पहचान करवा देता हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर पुसालकर है और मैं दादा साहेब फाल्के का नाती हूँ, उनकी लड़की का लड़का। तो मैं आज बहुत भावुक हूँ, आई एम वेरी मच सेंटिमेंटल, क्योंकि इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। दो साल पहले मुझे कोई बोलता था कि अगर आपके ग्रैंडफादर का 150th बर्थ एनिवर्सरी इतने रॉयल ढंग से हो जाएगा तो मुझे भरोसा नहीं होता था। DPIFF has taken full marks to Anil Mishra, Abhishek Mishra और उनकी टीम। उन्होंने हमें हमारे दादा साहब फाल्के की फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया, हमें जूरी प्रेसिडेंट मुझे बनाया। मेरे ख्याल से आज तक फाल्के का नाम का यूज़ हो गया, बहुत सारे लोग करते हैं, उनका ग्लैमर का यूज़ करते रहे, हम कुछ बोलते नहीं हैं। इसका मतलब हमें अच्छा लगता है ऐसा नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ता है कि आज मेरे ख्याल से सभी लोग फाल्के का नाम यूज़ करने का है तो DPIFF के साथ जाना चाहिए। क्योंकि जो कोई कर रहा है दूसरे लोग, हम उसके पास गए थे, गेस्ट करके गए थे, लेकिन बाद में जब रिटर्न घर में गए तो चीफ गेस्ट हो गए। तो मैं किसी का नाम नहीं लेने चाहता, लेकिन ये एक्सपीरियंस थी बहुत ही बेहतरीन। मुझे तो इतना रोना आता है कि हमारा ऑनर है कि नहीं, लेकिन ये सब ऑनर मैं मेरे ग्रैंडफादर दादा साहब फाल्के को ट्रांसफ़र करता हूँ, उनके वजह से ये ऑनर मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी के साथ ये हो रहा है, वो एक फिल्म के महात्मा थे, बहुत खुशी कर रहे। तो ये अवसर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जब सिनेमा को 100 ईयर्स हो गए दादा साहब फाल्के को, तब भी फाल्के अवार्ड शुरू किया गवर्नमेंट ने, अब 150th बर्थ एनिवर्सरी है, क्यों ना उन्हें पोस्टमस भारत रत्न दिया जाए। आज दादा साहब फाल्के ने क्या नहीं दिया, मासेस को एंटरटेनमेंट, स्टार को स्टारडम, गवर्नमेंट को ढेर सारा रेवेन्यू, लाखों लोग को रोजी रोटी दादा साहब फाल्के देते ही है। अब हमारी बारी है, वी हैव टू रिटर्न इट बैक। एंड और बेहतरीन मौका क्या है, 150th बर्थ एनिवर्सरी 30 अप्रैल हो रही है। आई अपील टू द गवर्नमेंट, प्लीज रिकमेंड हिज नेम for the posthumous Bharat Ratna, and my wife also always say that there should be an award in name of Saraswati Phalke, because she is the first technical technician. Dada Sahib Phalke himself has said that without her support, this I would have not been pioneer of this film industry, because she was the first female technician. Jo developing hai, jo kuch hai, unhone unhe sikhaya tha, Raja Harishan ke time unhone sab kiya tha. Ye kisi ko pata nahi. Perforation, developing night, sir. Late so, night, 2 o'clock, 3 o'clock. After finishing full day's work. So, मेरे ख्याल से उनको भी एक justice होना चाहिए, उनके नाम पे सरस्वती भाई दादा साहब फाल्के award होना चाहिए government level पे। ये मेरी पत्नी और मेरी भी इच्छा है। 100 years back किधर ladies लोग का ये किधर था recognition? Yeah. उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन she was the first lady technician. उसका योगदान बहुत ही है, मालूम ही नहीं होगा कि उसने क्या नहीं किया है। इसलिए मैं अपील कर रही हूँ गवर्नमेंट को, उसके नाम से अवार्ड देना। बेस्ट फीमेल टेक्नीशियन और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी कांग्रेचुलेट DPIFF एंड आई होप दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग इवेंट ऑन 20th। आई से ऑल द बेस्ट एंड वेरी थैंकफुल टू मीडिया दैट दे आर गिविंग given the patient hearing to whatever I said. Thank you very much. Thank you. And I'm very happy to be showcasing as the finale designer at these awards. So I have created a fashion show for this finale collection. वो भी आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दैट ऑन द 20th। या सो ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग टैलेंट को हंट कर रहे हैं,
हम लोग 20+ स्टेट से टैलेंट को हंट कर रहे हैं और मोर देन 2000 एंट्रीज हमारे पास आ चुकी हैं मॉडल्स की एंड उसमें से हम लोग 20 मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं एंड वी हैव द शो कोरियोग्राफर एरी सो ही इज़ सेलेक्टिंग द मॉडल्स 10 मेल 10 फीमेल एंड उसमें से वी आर वेरी प्राउड एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड बिकॉज दे विल गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ फैशन एंड फिल्म सो इफ देर इज समन इन द फ्यूचर आज एक मॉडल को चांस मिल सकता है फिल्म में डायरेक्टली भाग लेने के लिए सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी पार्टनर्स विद देम थैंक यू First of all, we are privileged to be a part of Dadabhai Phalke Award, and I want to thanks Badal and Nivedita. And we look like you know we look full package, who can represent India, and of course they have to be very disciplined because without discipline you cannot reach to that level, and there has to be very good. And as you know, they can be the next superstars, so they have to be. Best in every way. And they will become the next face of India 2020. This is what we are doing. So the platform is called Face of India and it's prevalent throughout Asia. It's not just an Indian platform but a global platform. So all new talent which comes through this platform will get a chance to represent India within the Bollywood industry and also outside India in all the Asian acting and modeling communities. यहाँ 26 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं और जो विनर हो वो फेस ऑफ एशिया बनेगा और विनर को 80 लाख प्राइज है फॉर जस्ट बीइंग अ पार्ट एंड गेटिंग द विनर यू नो टू रिप्रेजेंट एट द एशिया मॉडल फेस्टिवल विच विल हैपन इन साउथ कोरिया इन मे 2020 एंड एज यू ऑल नो कि साउथ कोरियन मूवी हैव वन द ऑस्कर्स पैरासाइट सो यू नो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम साउथ कोरिया टू इंडिया सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू थैंक यू सो मच की डेफिनेशन क्या है अवार्ड की डेफिनेशन प्यार है मोहब्बत है आवाम की आवाज़ है और क्या है बस और उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं एक जब लोग आपके काम को सराहते हैं आपको प्यार देते हैं और उस प्यार को लेके आप और मेहनत करते हैं तो मेरे लिए काफ़ी बस वही चीज़ है वो अवार्ड देख के सुबह उठूँगा मैं तो ऐसा लगे कि यार अभी और मेहनत करनी है अभी और आगे बढ़ना है अभी और चीर फाड़ आर्टिस्ट बनना है बहुत अच्छी फिल्म है और पहली बार हुआ है एक साउथ कोरियन फिल्म जीती है और हिस्ट्री क्रिएट हुई है मैं देख रहा था ऑस्कर्स इनफैक्ट लाइव देख रहा था मैं सुबह 7 बजे में शूट कर रहा था और बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये सबके लिए कि कुछ अलग हो रहा है कुछ चेंज हो रहा है तो अब कुछ सालों में शायद हम भी भारत को ले जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे और दादा साहब फाल्के 2020 देखिए मेरा मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे कभी आया नहीं हूँ सुना मैंने बहुत है इसके बारे में तो एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली कुछ बहुत ज़्यादा है मेरे पर आगे क्या होने वाला आई थिंक इट्स गोना बी अ सरप्राइज मेरे लिए भी देखने के लिए तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ और देखते हैं फिर आगे क्या है एक्सपेक्टेशन की बात की आपने अभी उसी की शूटिंग कर रहा था मैं इसीलिए थोड़ा लेट हो गया सॉरी सबको कहना चाहूँगा बहुत मज़ा आ रहा है सैफ सर रानी मैम दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत ही प्यारे एक्टर मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका हम तुम तारा रमपम तो अब उनके साथ मतलब बहुत अलग लगता है जब आप बचपन से आप देख रहे हैं इन लोगों को और फिर उनके साथ कंधे से कंधा मिला काम करने का मौका मिलता है वो क्यों देते हैं आप डायलॉग्स बोलते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ही फ़नी फिल्म है फैमिली एंटरटेनर है और मैं वेट नहीं कर सकता कि आप लोग जल्द से जल्द दिखाऊँ मैं और शूट जैसे ही ख़त्म होगा फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है उसका डेट सभी अनाउंस होंगे और बहुत एक्साइटेड हूँ जी मैं एक तो वो लोग ऐसे गेटअप में हैं इस फिल्म में क्योंकि बंटी बबली हैं हम ऐसे गेटअप में हैं वो ऐसे गेटअप में कि एक दूसरे को पहचानना ही मुश्किल हो जाता है एक तो मैं पहले दिन जब गया तो सैफ सर बगल में ही खड़े थे मैं पहचान ही नहीं पाए और मैंने बस 2 दिन पहले तानाजी देखी थी तो मैं तो ऐसा था कि सैफ सर से मिलूँगा क्या फिल्म है इतना मज़ा आया देख के लेकिन पहचान में ही नहीं आया तो मैं रानी मैम भी पहचान में नहीं आ रही है फिर मुझे मैंने बोला कि यार ये लोग हैं कहाँ बोले सैफ सर बगल में खड़े हैं तुम्हारे यार तो मैंने बोला अरे सैफ सर 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 तो काफ़ी मतलब बहुत वार्म है वो लोग बहुत ही मतलब हम जैसे नए एक्टर्स आ रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है ऐसे ये जो इतने बड़े कलाकार हैं उनको देख के तो उनके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में बहुत
हंसी मजाक तो हो ही रहा है मगर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे. थैंक यू सो मच.